हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका संगीता नायर चैनल पे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हो चुकी है मॉर्निंग और आज है संडे। यस, मैंने शावर ले लिया है, रूम भी थोड़ा सा मैनेज कर लिया है। और अनाया इज वॉचिंग टीवी। से गुड मॉर्निंग। और अनाया जस्ट अभी उठी है। मैंने थोड़े से किचन के काम समेट लिए, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा। आज थोड़ा सा रूम भी अरेंज, हाँ बाबू ने बेड अरेंज किया है, उनको पसंद है ये सब करना। और टेबल कवर वगैरह आज मैंने वॉश करने के लिए लगा दिए हैं। कल छुटकी ने तो बहुत सारे कपड़े धुले। मुझे हेल्पर है, मेरा बैग, हाँ बैग भी इनका मशीन में पड़ा हुआ है, वो बता रही हैं। होता है क्या ना कि बच्चों को अपनी पुरानी से पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव होता है, तो अनाया को बहुत ज़्यादा है। कल मैं थोड़ा सा क्लीन किया तो उनका एक पुराना बैग मिल गया। बस तो फिर क्या था, मम्मा ये चाहिए, मैंने कहा हटा देती हूँ, बोली नहीं, तो मैंने उसको ढूंढने के लिए डाल दिया। हाँ, इनके किसी फ्रेंड के पास भी सेम है, तो बस तू ही के पास में। यस, तू ही, शी इज मिसिंग यू। बहुत दिन से दिन हो गया। हाँ, स्कूल में भी इनसे एक क्लास आगे हैं तो वो मिल जाती है इनसे। फैमिलियर है हम लोगों से, तो कभी मिलेगा ना टाइम आया तो फिर हम घुमा देंगे। अक्षिता भी जानती है उसको। चलो भाई, अक्षिता का भी नाम ले लेते हैं। अक्षिता इनकी क्लास मेट है, बहुत ही अच्छी है, बहुत सीधी है। जब भी इनकी तबीयत खराब होती है, कुछ होता है, तो हेल्प करती हैं अक्षिता। थैंक यू अक्षिता। और हाँ, तो मैं आती हूँ मुद्दे पे। आज ये मेरा मूड नहीं था बनाने का व्लॉग, और रीज़न ये था कि आज मेरे पास बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। मेरे तो बहुत हेडेक है, क्योंकि मेरे अभी जो ना वूलन ने डू नॉट ओपन प्लीज़। तो मेरा जो वूलन है अभी पैक नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं पैक हुआ है। और हर बार क्या हो रहा था, जब भी छुट्टी मिल रही थी, हाँ अरेंज करना है। यस, जब भी छुट्टी मिलती है तो हम हस्बैंड के पास चले जाते थे। हाँ कर सकती हैं आप, बीच बीच में डिस्टर्ब हमें। तो हाँ, तो हम कहाँ थे, तो हमारा वूलन अभी भी पैक नहीं हुआ, जबकि गर्मी शुरुआत हो गई, अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगी है। तो फाइनली आज मुझे सारे वूलन पैक करके रख देना। बहुत ही बड़ा मेरे लिए हेडेक है यार, पर करना तो है ही, और मुझे ही करना है जब और कोई नहीं है। हमारे कपड़े नहीं मेरे पास अनाया, तो आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तो अनाया ने भी शावर नहीं लिया है ना, बहुत मैशी है। अनाया शावर लेके खाओगे खाने या पहले शावर लेके? अच्छा ठीक है। अनाया ने अभी ब्रेकफास्ट, अनाया ब्रेकफास्ट में आपने क्या क्या लिया? नहीं पता ही नहीं होगा। बादाम, गुड। और डेट्स, पिस्ता, दो पिस्ता, एक बादाम, थोड़ी सी किशमिश, एक्चुअली जैम ब्रेड। हाँ जैम ब्रेड। एक्चुअली ड्राई फ्रूट से बिल्कुल नहीं खाना पसंद करती हैं, आज मैंने जबरदस्ती दिया। होता क्या ना, स्कूल जाओ तो जल्दी जल्दी में नहीं जिद कर पाते बच्चे से, बच्चा ऐसे ही उठा हुआ होता है, मन उसका होता नहीं है। तो थोड़ा सा इनको स्कूल जाती तो मैं नहीं फोर्स करती हूँ कि ठीक है हैप्पी मूड जाए, जो भी खाना है खा लें। बट आज मैंने इनको प्लेट में दिया तो सिर्फ एक डेट इन्होंने छोड़ा है, वो भी खा लेंगे थोड़ी देर में। मैंने इनसे बोला था कि पूरा आपको फिनिश करना है दिन भर में, आप चाहे खाओ कभी भी खाओ, पर खाना है। तो फिलहाल आना ने फिनिश कर दिया, इसके एक डेट इनका बचा हुआ तो थोड़ी देर में खाएंगे। और उधर को फ्लिप कर रही हूँ, उधर मैं बहुत पसंद है। क्या हुआ ये, मैं इनको वॉर्न करती रहती हूँ लग जाएगा, लेकिन ये मानती ही नहीं है। व्लॉग कितना हो गया पता, 3.5 मिनट का यही व्लॉग हो गया, मैं बातें करने बैठ गई यार। तो मैं चली किचन में, छोला मैं बना आई थी छोला मैं बना के आई थी और इन्हें चाहिए था भटूरा, तो बस भटूरे तल लेते हैं चल के। हाँ, और मेरा फोन आया, बात करने के बाद में व्लॉग बनाते हैं। एक्चुअली फ़ोन किसी और का नहीं था, फ़ोन था कोरियर बॉय का। तो मेरे कुछ पार्सल्स आए थे जो मैंने मंगाए थे गर्मियों के हिसाब से। अच्छा है यार संडे को आए हैं, क्योंकि स्कूल डेज में क्या होता है, उन्हें स्कूल टाइम में उन्हें फिर बाद में बुलाना पड़ता है, तो मुझे भी थोड़ा सा वो लगता है। और मेरे घर के बाहर शॉप भी हैं तो उन पर भी रिसीव करा देती हूँ। बहुत अच्छे सभी लोग यहाँ पे फैमिलियर हो गए, जहाँ गए हैं पार्सल्स आते रहते हैं इतने, तो वो दे देते हैं शॉप पे। तो चलिए हम आपको ओपन करके भी दिखाते हैं। मेरा आ गया था पार्सल, तो मैं पार्सल लेने चले गई थी। चलिए आपके सामने ओपन कर देती हूँ क्या है। ओह नहीं नहीं, याद ही नहीं आ रहा, मतलब याद नहीं आ रहा है कि प्राइस याद आए, फिर मुझे याद आया ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस, ओ ये मैंने सिंगल ड्रेसेस मंगाई थी घर के लिए। आपके साइज का सामने मिलता है ना बेटा, आपका रिटर्न कर। ये मैंने इतनी सारी ना घर के लिए ड्रेसेस मंगाई थी, सिंगल ड्रेसेस घर में पहनने के लिए। आप ऑन कर लो, सॉरी ओपन कर लो। एक्चुअली मेरा और अनाया का ये इशू होने लगा है कि कभी अनाया की चीजें मेरे आती है, कभी मेरी चीजें अनाया को, तो जो जिसको हो जाएगा वो पहन ले। बहुत ही सुपर क्वालिटी
ऊपर खोलती है, कांट है मेरी। ये देखिए गर्मियों के लिए इतना प्यारा कपड़ा है ये सनाया, ये सिंगल ड्रेसेस है। हाँ हाँ आप पहना, आप पहनना। इतनी प्यारी, इतना ज्यादा अच्छा कपड़ा है इसका। मम्मा मैं ये टी-शर्ट साथ में। हाँ हाँ ये लॉन्ग में ड्रेसेस है, सिंगल ड्रेसेस घर के लिए मैं कहूंगी। और अनाया कपड़ा बहुत प्यारा। तो अभी हम ये ओपन कर ही रहे थे कि अनाया की टी शर्ट की गर्मियों के लिए मैंने मंगाई थी, आज दिखा दो। हैप्पी कैट हैप्पी हो टीचर वाली कैट ये तो भाई बहुत प्यारी चीजें हैं। टी शर्ट भी बहुत अच्छी है प्राइस वाइज। ये देखिए मैंने इतने सारे मंगाए, ये तो मेरे साइज का, ये तो ना आप नहीं पहन पाओगे। ये वाला मुझे पसंद है। ये तीन है मेरे पास में, और सबसे प्रिटी ये है, सबसे पहला ये हाथ में लगा मेरा है। और ये अनाया का देख लेते पहले, यूनिकॉर्न। हैप्पी हैप्पी ना ना है, बस यही हैप्पीनेस हम देखना चाहते हैं आपके चेहरे पे। गेस करिए क्या है, गेस करिए क्या है, बताइए क्या है। तसल्ली खुद ही नहीं आपको बता दोगे। माय गॉड मरमेड है ये, ब्यूटीफुल यार, बस इसका प्रिंट ना जाए, है ना, शाइनी है, गोल्डन है, मतलब स्पार्कली टाइप में, शायद इसमें ना समझ में आ रहा हो कैसे दिखाऊं, बट है प्रिटी। क्लॉथ के फैब्रिक का अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है, गर्मी के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा सा मिक्स हो या क्या है, ठीक है मुझे। कितना फोर है नाना है, फाइव अनाया का फाइव है और मेरा थ्री है, इनमें से भी अनाया शायद कोई ले ले। और रेंज वाइज बहुत अच्छा है, रेंज वाइज मैंने सारी चीजें फ्लिपकार्ट से, इससे था एक एजियो से, ड्रेसेस मेरी एजियो से हैं और अनाया का ये जो टी शर्ट है ये फ्लिपकार्ट से है। तो अच्छा है कुल मिला के। चलो मैं अभी आप मुझे डिसाइड करना है। क्या क्या डिसाइड करना है? मुझे लगता है ब्लैक वाली सबसे मेरी फेवरेट है। अच्छा आज पहनूंगी अभी ना। अच्छा अभी तो, हाँ अभी तो इनकी, इनको इसकी ना येलो पहननी है। मम्मा जो पहनती है उसमें से अनाया को चाहिए होता है। यस बेटा पहले शावर ले लो, शैम्पू कर लो। ये तो सब मम्मा का है बेटा। मेरी बात तो सुनो, ये आपके होगा ही नहीं ना। अच्छा चल, भूख किसको लगी है? भूख किसी को नहीं, नहीं लगी सच में। मुझे करेंगे नहीं, पहले शावर करना है, खाना जल्दी भरो, जल्दी नहाना है। चले अनाया को शावर दिलाते हैं, फिर मिलते हैं। दिलाओ। अनाया गई शावर लेने, और होता क्या ना कि जो मम्मा की चीज़ें होती हैं ज़्यादातर बच्चों को पसंद आती हैं, तो अनाया के लिए ये मैं पहनूंगी, जबकि मेरा उसका साइज़ ऐसा नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें ना होती स्टाइल जो होता है बड़ों के जैसा होता है, तो मैंने कहा ठीक है आप पहन लेना, उसका मूड थोड़ा सा हो गया। शावर लेने गई है, जो मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है सेम इसकी उन्होंने येलो मंगवाई थी, मैंने मंगवाई थी क्योंकि उसको पसंद था कि मुझे भी पहनना है मम्मा, तो हमने उनकी मंगा दी है। हालांकि ढीली है लेकिन अब उन्हें पहनना है तो मैंने मंगवा दी थी, देखते हैं पहनती है कि नहीं। इनके लिए उनका मूड ऑफ हो गया है। और ये ना मेरे साइज़ की हैं, उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ने वाली हैं, ये देखिए। और इसका छोटा साइज है नहीं, कोई बात नहीं, उसका मन कर रहा है तो मैं थोड़ी देर के लिए पहना दूँगी। अभी तो फिलहाल गई है शावर लेने, शावर लेके आती है, तब तक मैं चलती हूँ किचन में, भटूरे फ्राई कर लेते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ आ जाए तभी गरम गरम फ्राई करें। दो चीज़ें मैंने मंगाई थी तो अच्छा है संडे को आ गई हैं भाई, नहीं तो फिर डिलीवरी बॉय को बोलो कि स्कूल के बाद आए, उनके भी चक्कर लगते हैं, मुझे भी ख़राब लगता है। सो चलिए चलते हैं किचन में। किचन में मसाला है थोड़ा सा रोस्ट करके रख गई थी, इसको पीस लूँगी, मैं भूल ही गई। फिलहाल ये काम मैं बाद में करूँगी, पहले बना लेते हैं अनाया के लिए भटूरे। बहुत ही टेस्टी सा छोला हमारा रेडी है, इसमें बस हमें लेमन ऐड करना है थोड़ा सा। तो लगे हाथ डाल देते हैं लेमन भी, बस रेडी है छोला। किचन हमारी बहुत मैसी है, छोटी किचन में यही होता है भाई, एडजस्ट ही करना है हमको यहाँ पे किसी न किसी तरीके से। तो सुबह हमने
भटूरे का जो है आटा गूंद के रख दिया था, अब निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी से भटूरे। चेक कर लेते हैं ऑयल, अनाया ले रही है शॉवर। अनाया के लिए मैं दो भटूरे ही फ्राई करूंगी, पहले दो ही दूंगी इनको, दो भी भटूरे बहुत हैं, बड़े बड़े से बनाए हैं एक्चुअली मैंने। संडे को अनाया को चाहिए होता है इसी तरीके कुछ छोला भटूरा या राजमा, सो उनके मन का ही बनना होता है संडे को। तो भाई चुकी है मेरी और अनाया की प्लेट, तो अनाया की प्लेट में सैलेड में कुकुम्बर है, छोला और पूरी भटूरा मतलब, और मेरी प्लेट में है कुकुम्बर और छोला और अनियन, जो कि भाई भटूरे और छोले के साथ में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बनता है। और अचार ले चलते हैं इसको कमरे में, चार पूरी तलने में ही पसीने पसीने हो गए, बहुत गर्मी है भाई। बाबा कपड़े पहन लो जल्दी से, अनाया शावर लेके आ गई है, बस इन्हें देते हैं हम खाना। सो बस आ गई हमारी प्लेट, अनाया शुरू कर कैट वाली जो मन था पहनने का, तो पहन ली। हैप्पी येलो वाली जो इसके साथ की थी ना, तो वो कह रही थी कि टाइट हो रही है। थोड़ा ठंडा हो गया यार तुम्हारे चक्कर में। अच्छा मम्मा अच्छा बनाती है, लेकिन लास्ट टाइम बहुत अच्छा था। ठीक है बेटा, गर्मी के हिसाब से थोड़ा लाइट ही बनाना चाहिए। खा लो, ठंडा है जो वो गर्म है, ठंडी है बाबू, गर्म है इतनी भी गर्म नहीं बाबा। मैं खिला आए के सामने लगी है टीवी, और मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इस समय रूम बच गया, फोन नहीं गिर गया था। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे दिमाग में ना इस समय सिर्फ और सिर्फ रूम चल रहा है, रूम की सफाई, रूम मैनेज। मैं दिमाग में बस एक म्यूजिक वीडियो चल रहा है ये। अच्छा मैंने कहा था वॉल्यूम कम कर लो, एक्चुअली कॉपीराइट भी आता है। मैं सुन चुकी हूँ ना ये पहले। चल अच्छा खाना खा ली, अपने हाथ से खा ली, अब वो अपने हाथ से खाए दिया। अरे आप खा लेती है अपने हाथ से, जब कभी मन नहीं होता तो कहती है मम्मा खिला दो। चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं, होप सो कि आपने भी खा लिया होगा। मैंने तो छोला खा लिया और अनाया स्लेटी, और आज ना रायते की कमी रही। हुआ क्या ना कि आज मैंने भटूरे बनाए तो मुझे आइडिया नहीं था, रात में मैंने दही सेट करने के लिए रखा तो कुछ आइडिया नहीं रहा दूध का कितना डाले कितना नहीं, तो जो भी मेरे पास में कर था वो मैंने सारा भटूरे में डाल दिया, तो कल रायते के लिए दही नहीं बचा। तो फिलहाल अभी मैं चली फिर से किचन में
क्योंकि अभी बहुत सारे काम है। बस गर्मी बहुत पड़ रही है, तो चलिए बचे हुए छोले को हम पैक करके रख देते हैं फ्रिज में, किससे पहले वो खराब हो। गर्मी तो आपके शहर में भी पड़ रही होगी, क्योंकि अनाया अभी तो खाएंगी नहीं दोबारा से, जब ही खाएंगी तो गरम कर देंगे। जगह भी बनानी पड़ेगी फ्रिज में भाई, तो मैं अनिया निकाल लेती हूँ। मसाला पीस लेते हैं, ये देखिए। तो हम खड़ा मसाला मंगाते हैं और घर में पीस लेते हैं। थोड़ा सा ज्यादा दरदरा लग रहा है, इसको एक बार और पीसेंगे। बस इतना ही पतला हमें जो है ना मसाला चाहिए था। अब इसको जो है एयर टाइट कंटेनर में फिल करके रख देते हैं। मसाले के साथ में थोड़ा सा जायफल था, तो मैंने कहा उसमें तो मिक्सी में नहीं पीसेगा, तो मैंने इसको पतला पतला कद्दूकस कर लिया है और सारे मसाले में इसमें कर देती हूँ, मिक्स हो जाएगा उसी में। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, ये स्मेल ना आप अपने घरों में मसाला पीसते होंगे ना तो महसूस कर पाते होंगे। जब भी मसाला लाए ना तो पहले इसको रोस्ट कर लें। रोस्ट करने से बड़ा सेट करने में भी बहुत होता है। रोस्ट करने से ना मसाला अच्छा भी पिसता है, बहुत दिन तक चलता भी है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाए। तो मैं तो ऐसे ही पीसती हूँ, इसलिए मैंने आपको एडवाइस दे दी कि जब भी, या तो आप उसको धूप दिखा दें अच्छे से। मैं तो थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा रोस्ट मत करिएगा नहीं तो स्मेल भी चली जाती है और बहुत अच्छा एरोमा आ रहा है इससे। बस फिल हो चुका है मसाला हमारा, मिक्स कर लेते हैं क्योंकि नीचे जायफल था, ये देखिए। और ये मसाला है 150 का, जी हाँ। मुझे अभी बहुत सारे किचन के काम निपटाने हैं। मुझे याद आया कि मैंने उसमें पालक भी बॉईल करके रख दी थी, तो अभी उसको भी पीस करके रख देते हैं, वरना गर्मियों में आप जानते हो ना क्या हाल होता है। तो ये भी काम करते चलते हैं भाई। एक्चुअली मैंने कहा कि ठंडा हो जाएगा, इसलिए मैंने सुबह ही पीस ली थी टाइम से। पीस लेते हैं इसको, काम है कि खत्म होने के नाम ही नहीं लेते यार। संडे हो या कुछ भी हो, हम एक दूसरे के पास में ना कामों की भरमार होती है। पालक हमेशा ठंडी होने के बाद ही पीसे, वरना जो किचन में काम करते उन्हें पता है कि गर्म पालक पीस ले तो क्या हो सकता है। शाम को बनने वाला है पालक पनीर। यस, चुकी है बहुत ही अच्छी सी पालक। ये देखिए कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमको पालक पनीर बनाने के लिए। इसे भी मैं फ्रिज में करके रख देती हूँ, शाम को बनेगा पालक पनीर। किचन विचन साफ कर दी मैंने, चलते हैं रूम के अंदर। थोड़े बहुत जो ज़रूरी काम थे वो मैंने निपटा लिए हैं, और व्लॉग हो रहा है बहुत ही लंबा, तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और बस मेरे दिमाग में एक ही एक टारगेट लगा हुआ है इस समय बस, कि वो जो पार्ट टू बनाएंगे।
तो जो वो उलन है ना वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहे हैं फिलहाल, तो मैं जा रही हूँ मेरे दिमाग से अपने। हाँ आपको क्या करना है मुझे मेरे दिमाग से, मेरा बैग नहीं जा रहा। हाँ बैग में आपका धुल के डाल आई हूँ एक, तो बस मैं चली अपना काम करने के लिए। ब्लॉग को यहीं पे एंड अप करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे देखते हैं और बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग होगा तो आप भी देखोगे क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास में। भाई हम कैसे किसी से कह दें, तब भी आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग लाइक वाइज। बाय बाय एवरी वन, हैव अ नाइस संडे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।